सच्ची प्रहरी। नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। दर्शकों, हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है और इस पूरे महीने देश के हर बड़े छोटे तीर्थ स्थल में भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा रहता है। भगवान शिव को मनाने के लिए कावड़ लाने का चलन बेहद पुराना है। आस्था है कि जो शिव भक्त कावड़ में गंगा जल लाकर शिवालयों में जल चढ़ाते हैं, उनके मन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन देखा यह गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कावड़ लाना लोगों के लिए मौज मस्ती का जरिया बनता जा रहा है। कावड़ के नाम पर सरेआम होता है हुड़दंग, क्या सही है धर्म के नाम पर ये मौज मस्ती? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे सावन माह का महत्व और इस महीने के साथ जुड़ी आस्थाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कावड़ के महत्व और उनकी मान्यताओं पर आधारित अपना खास कार्यक्रम आपकी सोच आपका नजरिया। हिंदू धर्म में सावन के महीने का जो महत्व है वो किसी से छिपा नहीं है। प्रकृति अपने पूरे शबाब पर होती है। बरसात की बौछारें मन को शीतलता प्रदान करती हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और दूर दूर तक फैली हरियाली शरीर में नई ऊर्जा भर देती है। सावन के माह के शुरू होते ही शिव भक्त अनेक धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। देवों के देव को मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग सावन के महीने में मांस मदिरा का त्याग कर देते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, पूरे माह बाल नहीं कटवाते और अनेक शिव भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर से नंगे पांव यात्रा करते हुए कावड़ में गंगा जल लाकर शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कावड़ियों की मौज मस्ती और हुड़दंगबाजी का जो रूप सामने आया है उसने लोगों की आस्था पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए कावड़िये ना सिर्फ यातायात के नियमों को ताक पर रख देते हैं बल्कि शरेआम भांग धतूरे का सेवन करके हुड़दंग करने से भी बाज नहीं आते। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या है सही है आस्था के नाम पर हुड़दंगबाजी, क्या सही है भोले के प्रसाद के नाम पर खुलेआम भांग धतूरे और गांजे आदि का सेवन? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हिंदू धर्म से कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूरी तरह से बताएंगे जिस तरह से हिंदू धर्म में भोले शंकर को मनाने की ये प्रथा चली आ रही है, आखिरकार उसका महत्व क्या है। साथ ही साथ राजेश्वरानंद राजगुरु जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे क्या जिस तरह से हुड़दंगबाजी होती है वो कितनी सही है, और अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता राकेश रंजन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ खिचड़ीपुर शिव कावड़ सेवा समिति के अध्यक्ष सूरजमल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे क्योंकि काफी लंबे वक्त से वो कावड़ियों की सेवा में लगे रहते हैं तो किस प्रकार का नजारा उनको देखने को मिलता है वो भी हमें इस बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए हम अपने खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सावन माह के शुरू होते ही बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज हर ओर सुनाई पड़ती है। इन जयकारों की सुंदर ध्वनि संपूर्ण माहौल को भक्तिमय तो बनाती ही है, साथ ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह तेज हो जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना गया है।
देखिए, ये चातुर मास का प्रथम मास कहलाता है, जिसे श्रावण मास कहते हैं हम। अभी भगवान नारायण अभी शयन में चले गए हैं। भगवान नारायण के बाद ये चार माह के लिए भगवान रुद्र अपने हाथ में सत्ता संभालते हैं। भगवान शिव ने दक्ष को ये वचन दिया था कि इन चार माह में आपके यहाँ निवास करूंगा, उनके ऊपर प्रसन्न होकर। इस चातुर्मास के चार महीनों के प्रथम मास श्रावण मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए माता सती ने अत्यधिक तप किया था। इस भीषण अतिवृष्टि के मध्य में माता ने अपने शरीर को बिल्कुल गलाने के स्तर तक पहुंचने के बाद भगवान शिव को पाया था। चूंकि ये वो समय है कि जब पार्वती से उनका मिलन हुआ था, इस कारण से ये भगवान को अति प्रिय है मास अपना। सावन मास के शुरू होते ही देश के हर छोटे बड़े मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। शिव भक्त अनेक धार्मिक नियमों का पालन करते हैं और इस पूरे महा देश के सभी तीर्थ स्थलों, चाहे वो हरिद्वार की हर की पौड़ी हो या बनारस के घाट, कन्याकुमारी हो या फिर उज्जैन, भोले के भक्तों का तांता लगा रहता है। और कई दफा तो पहले स्नान करने और पहले कांवड़ भरने के चलते भगदड़ भी मच जाती है। इस भगदड़ के चलते श्रद्धालुओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो अनहोनी भी हो जाती है। लेकिन शिव की भक्ति में लीन श्रद्धालु किसी भी अनहोनी की परवाह किए बगैर बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए अपनी अपनी कांवड़ भरने की जल्दी में रहते हैं। सावन माह में कांवड़ भरने का चलन बहुत पुराना है। आस्था है कि सावन माह में समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मथने के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन इस विषपान के बाद महादेव का कंठ नीला हो गया। इस कारण से भगवान शिव को नील कंठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि भोले के भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर से नंगे पांव पद यात्रा करते हुए कांवड़ में जल लाकर शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। मान्यता ये भी है कि इसी सावन माह में भोले शंकर को सबसे पहली कांवड़ भगवान परशुराम ने अर्पित की थी। तभी से शिव भक्त शिव धाम से कांवड़ में जल लाकर शिवालयों में जल चढ़ाते हैं और सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। कहते हैं जो भी शिव भक्त सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं और कांवड़ लाते हैं, उनके मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन देखा गया है कि भक्ति का प्रतीक कही जाने वाली कांवड़, जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और प्रेम को दर्शाती थी, अब वो लोगों के लिए महज मौज मस्ती का जरिया बनकर रह गई है। पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की मौज मस्ती और हुड़दंग बाजी का जो रूप सामने आया है, उसने लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए
कांवड़िए न सिर्फ यातायात के नियमों को ताक पर रख देते हैं, बल्कि सरेआम भांग धतूरे और गांजे आदि का सेवन करके हुड़दंग करने से भी बाज नहीं आते। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आस्था के नाम पर ये हुड़दंग क्यों? क्या सही है भोले के प्रसाद के नाम पर खुलेआम भांग और गांजे का सेवन? सवाल ये भी है कि कांवड़ यात्रा के दौरान क्यों बढ़ जाती है भांग धतूरे और गांजे की तस्करी? सर्वधर्म संगम से अंजनी बख्शी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि कांवड़ यात्रा के दौरान कैसे होता है यातायात के नियमों का उल्लंघन। आस्था के नाम पर तोड़े जाते हैं कई नियम, खुलेआम होता है हुड़दंग। हिंदू धर्म के अनुसार क्या है सावन माह का खास महत्व? क्यों रखते हैं लोग सावन के सोमवार का व्रत? कब शुरू हुआ कांवड़ लाने का चलन? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और इस दौरान हमारा टेलीफोन नंबर भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और दे सकते हैं इस विषय पर अपनी बेबाक राय। तो चलिए शुरू करते हैं इसी मुद्दे पर अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला। स्वामी जी, सबसे पहले आपके साथ पास आना चाहूंगा। आखिरकार अगर सावन महीने की महत्व की मैं बात करूं तो क्या कुछ महत्व बनता है सावन का? सावन बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। इस मास में संयम, नियम, पूजा पाठ, व्रत, इन सब का विशेष महत्व इसलिए कि भीषण गर्मी के बाद जिस समय पर यह सावन ऋतु आती है, सावन ऋतु में मंद सुगंधित और बड़ी हल्की हल्की मीठी मीठी जब फुहारें पड़ती हैं तो ये हमारी काम वासनाओं को जगाती हैं। हमारी जो भोग वृत्ति है वो इससे बढ़ती है सावन के महीने में। और जब काम व्रती बढ़े उस समय अगर मनुष्य को जरूरत है संयम की, नियम की, व्रत की, साधना की, तप की, जप की, सेवा की, इन चीजों की तब जरूरत है। और इस मास में वैसे तो सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भगवान शंकर वही एक देवों के देव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने काम को भस्म किया, उन्होंने काम को भस्म किया और राम का सिमरण किया। इसलिए सावन के महीने में संयम, व्रत, नियम, इन चीजों को धारण करने के लिए इस पूजा पाठ का, विशेषतः भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व और ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली कृष्णा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिक्र किया है स्वामी जी ने कि सावन के महीने का महत्व उन्होंने बताया है और ये भी कहा है कि ये संयम का महीना होता, लोग संयम रखते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, व्रत ज्यादा रखते हैं और यही एक वजह है कि सावन के महीने में जो तमाम भक्त हैं हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो वो कांवड़ लेके आते हैं, वो जल लेके आते हैं और तमाम शिवालयों पर उसको वो अर्पित करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि जो हिंदू परंपरा है, जो आस्था है लोगों की आजकल, वो आस्था एक हुड़दंग का रूप लेती जा रही है जिसको लेकर लोगों की आस्था पर भी काफी ज्यादा प्रहार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, आस्था का जो लोग जो है हमारी आस्था को जो ठेस पहुंचती है, हमारे हिंदू आस्था को जो ठेस पहुंच रही है उसका कारण यह है, जब भी आप देखते हैं जो कांवड़ लेके जा रहे होते हैं उसमें आधे से ज्यादा जो है जिसे हम कह सकते हैं फ्रॉड जिसे कह सकते हैं, वो घर से उठते हैं, कपड़े डाला, उसके बाद कांवड़ लेके निकल गए कि आगे जो है जहां पर कांवड़ियों की सेवा वगैरह हो रही होती है वहां जाके वो खाना पीना होता है, अपनी सेवा करानी होती है, हुड़दंग करने का उन्होंने एक जरिया बना रखा है। यहाँ आप गलत कर रहे हो, यहाँ अपनी हिंदू परंपरा को और हिंदू आस्था को जो है आप ठेस पहुंचा रहे हो। इससे आप समाज में क्या मैसेज दे रहे हो? लोग जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो मजाक उड़ाएंगे कि ये देखो ये जो सावन का महीना जिसे अभी हमारे स्वामी जी बता रहे थे बिल्कुल अच्छा है, त्याग का भी महीना कहा जाता है। इसमें जो है त्याग आप कितना कर सकते हैं, कहते हैं जब किसी मनोकामना को पूरी करनी होती है तो उसमें जो है आप कोई अपनी मन पसंद चीज को त्याग करो तो उससे आपकी मनोरथ जो है पूर्ण होता है। मगर यहाँ पर जो है हुड़दंग नाच गाना, आप कभी उनसे ये जाके पूछे कि वो जो है कब से महीनों से नहीं नहाए होंगे, वो जो है कांवड़ की यात्रा में निकल रहे हैं क्या, गंगा जी लेने जा रहे हैं? और उसके बाद अगर आप उनको देख लें, उनकी सच्चाई का पता कर लें, कांवड़ में अगर कांवड़ लेने जा रहे हैं उसकी शुद्धता बहुत जरूरी है।
आप उसे कंधे से नीचे नहीं उतार सकते, उतारेंगे तो अपने किसी दूसरे साथी को देंगे और अपने आप को स्वच्छ रखेंगे। मगर यहाँ पर आप जो लेके जा रहे हैं आप उनको देखेंगे जो हुड़दंग मचा रहे हैं और जहाँ पे आप नशीली चीजों का जब सेवन करते हुए जा रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है आप भी कह रहे हैं कि हम अपने मन के संयम को नियंत्रण रखेंगे। जब आप जो है नशे में लिप्त हो जाओगे तो कहाँ नियंत्रण रखोगे, बिल्कुल सही, हुड़दंग मचाओगे लोगों के सामने। वो लोग आस्था के नाम पर नहीं जाते, वो पहले से ही प्रीप्लान लोग होते हैं। आप ये देखिए ना कहां कहां से जो बिचारे असलियत में जो लोग आ रहे होते हैं, आप उनको देखो, उनके पैरों को देखो, उनके हालात को देखो, उनको देख के लगता है कि हाँ ये सचमुच जो है भक्ति में लीन होके शिव शंकर की पूजा के लिए कावड़ भर के लेके जा रहे हैं। मगर जो डांस करते हुए जा रहे हैं, जो जो है जिसे डाक कहते हैं, डाक कावड़े लेके जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या वैसे ही कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, सिर्फ एक जो है आपने ऑरेंज कलर के अपना शिव जो टी शर्ट डाल लिया, कपड़े डाल लिया, चल दिए, आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक आप जो है भोलेनाथ का मजाक उड़ा रहे हैं, आप जो है हिंदू धर्म का मजाक उड़ा के लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर जो है हम इन ऐसे लोगों के खिलाफ है, खिलाफ है आप लोग। चलिए एक दर्शक हिसार से बलजिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलजिंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल ये है कि मैं ना मेन रोड के ऊपर मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरी रहता हूँ जी, तो यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर कावड़े निकलते हैं और इतना वर्ड पोल्यूशन रात को भी नहीं बंद करते, तो मुझे लगता है कि ये अपने धर्म का और लोगों को परेशान करने का ये इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि लोग इतने परेशान हो जाए, रात को सोना भी तंग हो जाए मेन रोड के ऊपर जो रहते हैं लोग। स्वामी जी आपसे जाना जी जी जरूर, स्वामी जी आपसे जानना चाहूंगा, इनका सवाल यह है कि लोग लाउडस्पीकर तेज आवाज में चलाते हैं और उसको बजाते हुए जाते हैं, लोगों को परेशानी होती है, क्या आस्था का उसको आस्था कहेंगे आप जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो? देखिए कि धर्म में, धर्म का पहला जो मूल मंत्र है उसमें दया है जी। जिस अगर धर्म में मैं कहता हूँ अगर जयकारा लगाने से भी दूसरे को पीड़ा हो रही है, साउंड लगाना तो बहुत बहुत दूर की बात है, अगर एक मेरा जयकारा मेरे सुबह 4 बजे प्रातःकाल उठने से अगर मेरी धर्म पत्नी को भी किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है तो मैं तो समझता हूँ वो भी पाप है। लेकिन अब सिर्फ इस हिंदू धर्म को मत लीजिए ना, अभी अभी शबे बारात गई, उस समय पर ये मुस्लिम भाई जो है वो क्या करते हैं, ये क्या है, जिस समय भी जो एक अच्छी सोच के लोग होते हैं, एक आध्यात्मिक सोच के लोग होते हैं, वो जब किसी भी संप्रदाय में कोई कर्म करते हैं, जब ये कावड़ का प्रारंभिक समय रहा था, प्रारंभिक समय अभी कहूंगा आज से 15-20 साल का, वो बिल्कुल पौराणिक समय का नहीं कहूंगा, तो उस समय पर लोगों में एक सोच थी, जब अभी हम बात कर रहे हैं संयम था, एक व्रत था, एक त्याग की भावना थी, एक भावनाएं थी, लेकिन वो जब देखा देखी शुरू हो जाता है, जैसे वो शबे बारात में देखो वो कितनी ज्यादा बदतमीजी होती है दिल्ली की सड़कों के ऊपर, कितनी उस समय पर पुलिस को वहां पर हमारी इतनी कस्टडी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, तो गलत तो गलत ही है कि अगर मान लो ये साउंड लगा के बजाया जाए, जबकि मैंने तो ये पढ़ा अखबारों में पढ़ा, आप मीडिया के माध्यम से देखा कि पुलिस ने इस पर बैन लगा रखा था कि जो डाक कावड़ होंगे उस पर ये जो डीजे वगैरह लगाना उस पर प्रतिबंध लगाया, यानी धर्म कोई हो धर्म की आड़ में अगर कोई भी कानून तोड़ेगा वो गलत है, गलत है। आस्था भी नहीं है, अगर आप उनको रोकेंगे तो वो उतर के लड़ाई झगड़ा भी करने बैठ जाते हैं, यहाँ पे ये भी गलत है। आप इतनी जोर से जो स्टूडियो चला के आप जा रहे हो क्या देखना दिखाना चाहते हो, खुद को सुनना है, आप धीरे आवाज में सुनिए, भजन करिए, बहुत सारी चीजें जिससे जो है आप भगवान का जो है सिमरन करते हुए जा सकते हैं। मगर ये जो है जिस तरीके से हमारे दर्शक जो पूछ रहे थे, जाहिर सी बात है ये बहुत जो है गलत बात है, आप इतनी जोर से जो है अगर स्पीकर लगा के सुनते हुए जा रहे हैं, किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, यहाँ गलत है। अभी अभी कृष्ण जी ने कहा, अभी कृष्ण जी ने कहा सिमरन करते हुए जा सकते हैं, उसमें एक बात बोलते हैं बम 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 बम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बम बम, ये बम बम का मतलब क्या है? बम बम का मतलब है जिस समय हम वैष्णो देवी जाते हैं उस समय हम बोलते हैं जय माता दी जय माता दी, जब हम अमरनाथ जाते हैं जय बाबा दी ठीक है। अब जिस समय पर ये 500 किलोमीटर की यात्रा इन लोगों ने करनी होती है तो बा से बाप और माँ से माँ शिव और शक्ति, यानी इसकी आराधना करते हुए बम 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 हम ये करते हुए जाते हैं, तो मैं इन लोगों से कहूंगा सबसे पहले जो भी कावड़िया भाई अपने घर से बम बम करने निकला, शिव और शक्ति की साधना करने आराधना करने निकला, वो पहले अपनी माँ और बाप की सबसे पहले उनकी व्यवस्था सुंदर तरीके से करके जाए कि उनकी पूरी व्यवस्था, अगर उनकी व्यवस्था नहीं है तो ये बम बम बा से बा और माँ से माँ, बाप और माँ, उस बाप और माँ को तुम पूज रहे हैं, शिव और शक्ति की हम साधना आराधना कर रहे हैं, लेकिन जो बाप और माँ हमारी किसी अभावों के अंदर घर पे बैठे हुए रो रहे हैं, ऐसे कावड़ का कोई अर्थ नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं निकलता। चलिए राकेश रंजन जी आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि जिस तरह से कुछ लोग जो कि कृष्णा शर्मा भी बता रही थी और राजेश्वर आनंद जी भी बता रहे हैं कि कुछ लोग उपद्रव मचाने की मानसिकता को लेकर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असामाजिक तत्व उनको कहा जाएगा जो उसमें शामिल हो जाते हैं और इस तरह का हुड़दंग मचाते हैं, तो
क्या लगता नहीं कि इससे हिंदुओं की जो आस्था है उस पर एक प्रहार किया जा रहा है, उसको चोट पहुंच रही है? देखिए, सर्वप्रथम हमें ये सोचना पड़ेगा, ये चिंता का विषय है कि ऐसी स्थिति का निर्माण क्यों हुआ, क्या कारण है कि हमारे धर्माचार्य अपने संदेश को या कांवड़ यात्रा रूपी हठ योग की इस क्रिया का संपूर्ण ज्ञान समाज तक नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, राकेश जी, मैं रुकना चाहूंगा, माफ कीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। दर्शक हमारे साथ करनाल से कृष्ण कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वैसे हमारे हिंदू धर्म में श्रावण का महीने का बहुत महत्व है, और लोग जो है शंकर जी भगवान जी के नाम का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं नशे का कारोबार इस टाइम बहुत ज्यादा है। इन लोगों को देखिए, सिर्फ भगवान के धर्म के नाम के ऊपर भांग धतूरा नशा इतना हद से ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और बदनाम कर रहे हैं हमारे धर्म को। हमारे धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भगवान शंकर जी ने ये कहा है कि आप नशा करो। भगवान शंकर जी ने विष का पान किया था, उन्होंने कभी नहीं किसी को कहा, हाँ भी हमारे इतिहास में लिखा हुआ, ग्रंथों में लिखा हुआ कि नशा करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो है धर्म के नाम के ऊपर ये काम कर रहे हैं, नशे का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। गलत बात है, उनका दोस्त देख के ऐसा लगता है कि अगर ये अच्छे के ऊपर अपने दोस्त के साथ शायद अच्छा होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जो गाँव का अच्छा उनका सफाई अभियान किया जाए, अगर ये अपना सारा काम राकेश जी, मैं चाहूंगा आप इस बात का अच्छे से जवाब दें, क्योंकि जो दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं ऐसा ही उससे मिलता जुलता सवाल हमारा भी था। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि धर्म की जो व्यवस्था है जी, उसका ज्ञान समाज तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, कांवड़ यात्रा का क्या उद्देश्य था, सावन के मास में इस हठ योग की क्रिया का क्या महत्व है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए था। दुर्भाग्य से हमारे धर्माचार्य वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और इसके लिए शासन और व्यवस्था पूर्ण रूपेण दोषी है, क्योंकि शासन इस प्रकार के आयोजनों में स्वयं सारी कमान अपने हाथ में रखती है। धर्माचार्यों का और धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं का कोई विशेष महत्व नहीं होता, शासन उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। यही कारण है कि भारत में वर्तमान संविधान के लागू होने के बाद शनय शनय धार्मिक व्यवस्थाओं का ह्रास होता चला गया, और विशेष रूप से सन 70-80 के बाद से कांवड़ यात्रा का ये विद्रूप रूप आपके समक्ष उपस्थित है। लेकिन इसके लिए शासन दोषी है। यदि भांग की समस्या का आप उल्लेख कर रहे हैं, तो कांवड़ यात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और उसमें भांग बेचने की व्यवस्था शासन करती है, शासन का आबकारी विभाग करता है, और उससे वो उसे एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी अवसर के रूप में देखता है। जहां तक ट्रैफिक व्यवस्था के और संचलन का विषय है, तो दूसरे देशों में भी पिलग्रिम रूट्स होते हैं, मार्क्ड होता है, उस पर कोई गाड़ी नहीं चलती। मैं वर्षों तक इंग्लैंड में रहा, और वहां जो पिलग्रिम रूट्स हैं उस पर किसी भी प्रकार के वाहन के संचालन की अनुमति नहीं होती। हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उसी सड़क पर एक पदयात्री जो हर प्रकार से वल्नरेबल है, एक्सीडेंट हो सकता है, कांवड़ यात्री दूर से आया है, 500 किलोमीटर तक उसे जाना है, 400 किलोमीटर जाना है, उसके लिए शासन कोई व्यवस्था नहीं करती। शासन का मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान व्यवस्था का ये चिंतन है किसी प्रकार से हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को यथा संभव विकृत करो, विकृत होने दो, और फिर जब उसका विकृत रूप सामने आए तब कहो कि ये हिंदुओं की गलती है, हिंदू समाज में त्रुटि है। भाई, अगर आप हिंदू की गलती नहीं बता रहे, हिंदू समाज की गलती नहीं बता रहे, सुनिए, हमारा बात पूरी होने दीजिए ना, अभी मेरा वक्तव्य पूर्ण नहीं हुआ, चलिए बताइए। अभी भी समय है, सरकार चाहे तो इसमें धर्माचार्यों को, हिंदू संस्थाओं को, संगठनों को आगे लाए, जो इसकी व्यवस्था को सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर संभालें, और लोगों के विषय में लोगों को इस हठ योग की क्रिया का पूर्ण ज्ञान दें, कांवड़ यात्रा किस प्रकार से करनी है, कैसे करना है, ये कोई नहीं बताता जल चढ़ाने वालों को। दूसरी चीज कि इसका क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, हिंदू सामाजिक सैन्य व्यवस्था, जैसे आप वॉलंटियर्स आर्मी कहते हैं, ये उस प्रकार की व्यवस्था है, और इसमें इन सब चीजों का अपना एक विशेष महत्व है। मैं इसका अभिप्राय यह कदा भी नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार के नशा के सेवन का समर्थन कर रहा हूं। 99.99% केसेस में भांग के सेवन की या दूसरे किसी अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन की कोई अनुमति धर्मशास्त्रों में नहीं है। तथापि भांग अति विशिष्ट परिस्थितियों में हठ योग के साधक को अनुमति है, जैसे कि वो घायल हो जाए, चोट लग जाए,
अत्यंत व्यथा में हो, पीड़ित हो, शारीरिक रूप से पीड़ित हो जाए, तो उस स्थिति में शारीरिक संताप को नियंत्रित रखने के लिए बहुत लेकिन राकेश जी यहाँ पर सवाल नहीं सवाल यहाँ पर यह उठता है, बिल्कुल मैं आपकी बात की जरूर काउंटर करूंगा, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि यहाँ पर लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार। मैंने पहले ही कहा कि सरकार भांग स्वयं बेच रही है। अच्छा, सरकार स्वयं आबकारी विभाग भांग बेच रहा है। जो कांवड़िए जा रहे हैं इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कांवड़िए जा रहे हैं तो उनको शिक्षा ये वहाँ पर ये बदसलूकी वहाँ पर करते हैं, लोगों के साथ मारपीट वो करते हैं, उनके साथ भी सरकारी जिम्मेदार उनके साथ भी हो रही है। सबसे पहली बात, इन्होंने हठ योग की बात की है, हठ योग साधु संतों में आता है, ऐसे लोगों में नहीं आता है। ये कांवड़ लेके जा रहे हैं अपने आप को भोलेनाथ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य का खंडन कर रही है देवी, नहीं उनका खंडन किया सामाजिक व्यवस्था में, उन्होंने इसकी हमारे धर्म नहीं आपने खंडन कर दिया और नहीं, कि नहीं। योग तो है जो है साधु संत और उनके लिए है, आपने इस काल में आपको ज्ञान होना चाहिए कि चातुर मास में साधु संत यात्रा नहीं करते हैं। नहीं, ये साधु संत है जो जा रहे हैं, साधु संत नहीं है, यही तो कह रहा हूँ मैं, ये साधु संत नहीं है, इनको हट योग भी नहीं कहेंगे, और ये भांग वगैरह जो है जरूरी है, इतने सारे चिकित्सालय जो खोल के लोग बैठे रहते हैं, लगा के बैठे रहते हैं 99.99% राकेश जी, लेकिन उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन ये लोग उसका उल्लंघन वो कर रहे हैं, और अगर और सरकार का आपने जिक्र किया है, अगर सरकार इसकी व्यवस्था नहीं करती तो आपका फिर जवाब ये भी आएगा कि 0.1% लोगों को जिनको जरूरत है उनको फिर कहां से मिलेगी, फिर सवाल आप ही लोग ये भी करेंगे। सुनिए, सुन लीजिए पहली बात, कोई भी बच्चा बालक या समाज का कोई भी अंग हो, वो एक कोरा कागज होता है, यदि उसे आप समुचित ज्ञान नहीं देंगे तो वो भटकेगा। यानी इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहिए, जो लोग इसको जो कावड़ जा रहे हैं उनको पहले ट्रेनिंग स्कूल। चलिए चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रखूंगा, राकेश रंजन जी मैं लौटूंगा आपके पास, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सूरज मल जी के पास भी चलेंगे, वो बताएंगे कि जब वो कावड़तियों की सेवा करते थे उनको किस तरह का नजारा देखने को मिलता है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिए सर्वधर्म संगम के साथ। किसान की खुशियां उसके खेत खलिहान से होती हैं, और इसके लिए सबसे जरूरी होता है सिंचाई का उत्तम प्रबंध। उत्तम सिंचाई के अभाव में न होता है खुशहाल किसान और न ही मिलती है उसे खुशियां। फिर क्यों पाले ये रोज रोज का झंझट, क्यों न लगाए एक ऐसा पाइप जिसकी विश्वसनीयता पर करे देश भरोसा। जी हाँ, कीर्ति पाइप, जो देता है आपको सर्वोत्तम भरोसा, उन्नत तकनीक और गुणवत्ता का दूसरा नाम कीर्ति पाई। देश में बढ़ता अत्याचार, जिंदगी इतनी नहीं आसान। यार बेटे परवरिश करके ब्याह शादी कर दिए, लेकिन मेरा सारा कोई नहीं। हमारे मियाँ के पास इतनी कमाई भी नहीं है, वो बीमार रहते हैं, उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। दर दर की ठोकर खाने को क्यों मजबूर हो रहा है इंसान? पता नहीं मेरे को मरने के बाद में कोई कंधा भी देगा कि नहीं। जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराने जल्द आ रहा है जिंदगी एक संघर्ष, सिर्फ सर्वधर्म संगम चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि
मुद्दा है धर्म का, आस्था का, क्योंकि यहाँ पर सवाल है उन कांवड़ियों का जो आस्था के नाम पर हुड़दंग करते हैं, नशे का सेवन भी करते हैं। तमाम खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे हम चर्चा करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है भी आपका, सवाल पूछिए। जी सतीश, अपना सवाल पूछे। अक्सर सवाल ये है कि अभी ना कुछ हमारे धर्म पे उंगलियां उठाते और इनकी आदत बन चुकी है ये हिंदू धर्म पे। अभी ये आस्था का जो मुद्दा होता है, इसमें जो भक्ति होती है वो अटूट विश्वास पर होती है सर। और जो ये कांवड़ यात्रा है, इसमें तो हमें सहयोग देना चाहिए ना कि उंगली उठानी चाहिए। ये साल में एक बार आता है, मैं मानता हूँ इसमें कुछ जो बच्चे होते हैं इसमें बाजी करते हैं, उसमें मेरी प्रार्थना है कि इनको प्रशासन कंट्रोल करे है? और जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनसे इनका बचाव करे। साल में एक बार पर्व आता है ये कांवड़ियों का, और इसमें हमें जो हिंदू धर्म है इसमें कांवड़ की बहुत मान्यता है, और इस पे ना हमारे लोग ही खुद उंगलियां उठा के इस धर्म को कमजोर करने पे तुले हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका। यहाँ पर हमारा मकसद किसी धर्म को कमजोर करना नहीं है, ना ही इस तरह की मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देना है कि साल में अगर एक बार ये पर्व आता है तो वहां पर वो दिल खोलकर हुड़दंग कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी सरकार या प्रशासन की ही नहीं है बल्कि हमारी खुद की भी बनती है और उन तमाम शिव भक्तों की बनती है जो आस्था के नाम पर इतनी दूर पैदल चलकर जल लेकर आते हैं और उसके बावजूद वो हुड़दंग मचाते हैं, तो ये भी एक आस्था के ऊपर सवाल उठता है। चलिए हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले सूरजमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप शिव कांवड़ियों की सेवा आप करते हैं, उनके लिए शिविर भी आप लगाते हैं, बहुत सारा इंतजाम आप करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके शिविर में भी बहुत ज्यादा कांवड़ती नशे का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा वहां भी हुड़दंग मचाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नशे के ऊपर पूरी पाबंदी है। हम कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग वगैरह जो है जगह जगह हमारे जो है, आपके भी सज्जन गए थे, उन्होंने देखा था, तो हमारे यहाँ पर जो है इस तरह का कोई जो है वो नहीं होता। हम पिछले 20 साल हो गए हैं, 21वां साल हमारा है और 21 साल से हम लगातार कंटिन्यू ये शिविर लगा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। और मैं राकेश जी की बात से सहमत हूँ। राकेश जी ने जो कहा है कि इसमें कुछ खामियां हमारे धर्म गुरुओं की हैं, हमारे धर्म गुरु इन सब चीज का जो है प्रचार, वो जो है वो अपनी तपस्या में तो लीन रहते हैं लेकिन उसका प्रचार आगे नहीं बढ़ाते। तो मेरा धर्म गुरुओं से अनुरोध है कि वो इस पर जो है थोड़ा सा अपना फोकस जो है बढ़ाएं। हमारे जो भी जो है ये कांवड़िया जाते हैं या और जो है धर्म से जुड़ी तमाम बातें हैं, उन सब पर जो है वो जैसे हमारे सत्संग होते हैं, जैसे हमारी और जो है वो चलते हैं, तो उनमें इन सब चीजों का प्रचार बढ़ाया जाए। चलिए एक दर्शक हिमाचल से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, मैं कांवड़ यात्रा के बारे में जानना चाहता हूँ कि इस यात्रा का महत्व क्या है और किस लिए यात्रा की जाती है। चलिए जरूर कृष्णा जी, यहाँ पर दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा का जो लोग कांवड़ डे कहते हैं उसका महत्व क्या है, वो क्यों की जाती है, करते क्यों है वो? देखिए, कांवड़ के जो महत्व ये है कि जो कोई मन्नत बोलता है कि हम जो है गंगा जल लाके और जिस मंदिर के ऊपर जो है, जिस शिवलिंग के ऊपर जो है उन्होंने गंगा जल चढ़ाना है, वहां के लिए जब वो घर से कांवड़ लेके निकलता है तो उसकी घर की जो महिलाएं हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, वो भजन कीर्तन करते रहते हैं कि जो व्यक्ति उनके घर से गया है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो और रास्ते में वो सुरक्षित होते हुए जाए, भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर बनी रहे, और वहां से जब अच्छे से वापस आता है उसके बाद वो जो गंगा जल जहां पे भी उसने मन्नत बोली है वहां चढ़ाता है, जिससे जो है उसकी अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव के सामने जो प्रतिज्ञा रखता है उसको पूर्ण करने हेतु जो है इस कांवड़ यात्रा की प्रचलन है। जी। स्वामी जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सूरजमल जी का भी कहना यह है कि धर्म गुरु जो हैं उनकी कमी है, वो लोगों को जागरूक नहीं करते हैं, वो बताते नहीं, वो अपने ध्यान में रहते हैं, अपनी तपस्या में मुग्ध रहते हैं, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं वो देते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो धर्म गुरु हैं, साधु संत हैं, उनकी यहाँ पर कमी दिखाई देती है। मैं सूरजमल जी से एक बात पूछूंगा, 21 साल से ये अपना ये कांवड़ शिविर लगा रहे हैं जी, 21 साल में इन्होंने किस किस धर्म गुरु को आज तक इनवाइट किया सत्संग के लिए? सबसे पहली बात तो मैं ये पूछूंगा। मैंने एक धर्म गुरु नहीं, मैंने जो है जो जगत गुरु शंकराचार्य में जो धर्म गुरु हैं उनको भी मैंने जो है मेरे शिविर पर आए हैं। कितने बार आए? 21 साल में प्लीज। नहीं, 21 साल में एक दो बार आते हैं। दरअसल 21 साल में एक बात सुनिए, अपने काम में एक बात सुनिए, दिल्ली में
सैकड़ों धर्म गुरु रहते हैं, सैकड़ों संत महात्मा रहते हैं, क्या इन्होंने कभी प्रयास किया कि उस जगह पर अपने खिचड़ीपुर वो जो भी ये कावड़ शिविर लगवाते हैं, क्या इन्होंने कभी प्रयास किया कि वहां पर सत्संग करवाया जाए? और अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर हमारे भांग और धतूरे तो नहीं है, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, इस बात को नहीं होगा, लेकिन मैं इनसे पूछ रहा हूँ वहां पर डीजे है या नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वहां पर म्यूजिक है या नहीं है? ना, म्यूजिक केवल जो है वो है जिसमें कैसेट चलती है। अच्छा, कैसेट चलती है। और वहां पर आपने कितनी, एक मिनट, आपने धर्म गुरुओं के ऊपर बात की, बड़ी अच्छी बात कही, धर्म गुरुओं की अपनी ड्यूटी, हमारा एक कर्तव्य बनता है। मैं पूछता हूँ आपने कितने इस कांवड़ शिविर में, पिछले 5 कांवड़ शिविर में कितने सत्संग करवाए आपने, कौन कौन से संत को आपने इनवाइट किया, आमंत्रित किया? नहीं, हम संतों को आमंत्रित करते हैं और कराते भी हैं इस कार्य को, लेकिन उसका सिर्फ एक पूछ रहा हूँ कि आपने इतनी, आपने एक मिनट में कह दिया धर्मचार्यों की ड्यूटी बनती है, और आपने 21 साल से आपने कांवड़ शिविर लगाए, लेकिन कितने संतों को आपने इनवाइट किया? किसी भी ये कांवड़ शिविर लगाने वालों के यहां पर फुहड़ता तो नजर आएगी, वहां पर उनके लिए डीजे तो नजर आएंगे, वहां पर बड़े बड़े भवन लगे हुए नजर आएंगे, लेकिन वहां पर सत्संग होता हुआ कितनी बार नजर आएगा कि अगर संतों के ऊपर उंगली अगर उठाई जाती है? और संत कहां पर यह कहता हुआ नजर आता है? किसी एक संत को भी, सनातन हमारे धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के एक भी संत को अगर आप मेरे सामने लाए कि अगर वो ये कह रहे हो कि अगर मान लो ये हमारा ये कावड़ का मेला चल रहा है, हमारे जितने दर्शकों ने भी कहा बहुत सुंदर है, इसको और ज्यादा व्यापक स्तर पर लाना चाहिए, लेकिन क्या आपके घर पर अगर कोई बैड एलिमेंट जन्म ले रहा है तो क्या कहा जाएगा कि सूरजमल का पूरा परिवार ही खराब हो गया? सूरजमल जी, अगर मान लो घर का एक आदमी, अगर हम तो ये कह रहे हैं अगर हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में अगर कोई ऐसा बैड एलिमेंट है, कोई भांग लेता है, कोई चरस लेता है, कोई फोड़ता करता है, कोई जिसके वजह से हमारा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, तो उस आदमी को हमको सही मार्गदर्शन देना है, उसको सिखाना है, सत्संग और प्रवचन से हम उसको एक अच्छी जो है शिक्षा दे सकते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि सनातन धर्म गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत यहाँ पर नहीं कह रहे कृष्णा जी, सूरज गलत ही नहीं कह रहा, मैं केवल सूरजमल जी गलत नहीं कह रहा, मैं धर्म इसी धर्म से मैं हूँ, धर्म को मैं गलत नहीं कह रहा, मैं केवल शिक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं केवल अब जैसे वहां से चलते हैं, बताइए वहां जो है हरिद्वार में, वहां जो है इन्हें कुछ जो है मतलब कुछ लिटरेचर लिख के बड़े बड़े उन पर जो है लिखा जाए कि भाई आपने इन इन चीजों का पालन करना है हर जगह। चलिए इसमें ये भी परंपरा, दैनिक जागरण में परसों का मेरा कॉलम पढ़िए, उसमें ये लिखा गया है, मैंने मेरे ये प्रवचन है कि मैंने ये कहा है कि अगर मान लो आप 15 दिन के लिए इस गेरुआ वस्त्र को डालते हैं, बड़े बड़े समाज सेवक, बड़े बड़े धर्म नेता, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपके पैरों पर मेहंदी लगाने के लिए आ जाते हैं, अगर आप इसमें मन को भी रंग लेंगे केवल आपने, क्योंकि अगर बाहरी रूप से अगर वस्त्र धारण कर रहे हैं तो बाहरी रूप से वस्त्र धारण जो किया था वो रावण ने भी किया था, केवल बाहरी, मैंने ये कहा, मेरा दैनिक जागरण पढ़िए आप, नहीं, और हरिद्वार में मेरा आश्रम है, वहां पर मेरे आश्रम में क्या जगह जगह जाकर देखिए संत और धर्म गुरु क्या कह रहे हैं। मैं स्वामी जी उस पर बात करता हूँ जैसे वहां से कावड़ उठ के चलती है, जैसे हर जगह प्रचार हमारा होता है, बिल्कुल वहां से कावड़ उठ के चलती है, वहां पर प्रचार होना चाहिए, इस तरह के बोर्ड लगे हो, होर्डिंग लगे हो, प्रचार होना चाहिए, सूरजमल जी ये नहीं करना, आपका मतलब कुछ चीजों का लाभ होता है, कुछ हानि होती है, चलिए ये जो है वहां इस तरह का हो कि जिससे जो है जो नवयुवक जा रहे हैं, देखो हम उनको जैसी शिक्षा देंगे, हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, एक शिक्षा जो है, एक पहला जो है, पहला जो गुरु है वो माँ और बाप है, दूसरा जो गुरु है वो शिक्षक है, तीसरा जो गुरु है वो हमारे संत समाज है, मतलब चाहे किसी भी धर्म का है वो धर्म गुरु है। चलिए सूरजमल जी यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरा यह उठता है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इन लोगों को जहां से कांवड़ लेके चलते हैं वहां पर इनको बताया जाना चाहिए, इनको समझाना चाहिए कि किस तरह से इनको कांवड़ लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर चूंकि दिल्ली में आप शिविर लगाते हैं तो तकरीबन हजारों लाखों की तादाद में आपके यहाँ से कांवड़ती निकलते होंगे जरूर, आपको लगता नहीं आप म्यूजिक का आपने जो प्रबंध किया हुआ है वहां पर अगर रोजाना आप किसी भी एक संत को बुलाएं और वहां पर उनसे प्रवचन करवाएं और म्यूजिक के साथ साथ में अगर वो वहां पर भी वो इस तरह के प्रवचन करें, उनको समझाएं, तो जरूर उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, पर उससे टीयर भी नहीं बढ़ती ना कांवड़ शिविरों की, उससे डीजे से टीयर। चलिए जवाब लेते हैं, हर कांवड़ शिविर
में मैं आपको बताऊं, हर कांवड़ शिविर में डीजे नहीं है। हाँ देखो, हर तरह के लोग हैं ये सेवा में। अब किसी को किसी तरह आनंद है, किसी को किसी तरह आनंद है। बाकी जो है ये अपना अपना मन है, और अपने मन नहीं कर सकते। सूरजमल जी, क्या आपको लगता नहीं कि आपको वहां पर प्रवेशन कराने की व्यवस्था भी करनी चाहिए? हाँ जी, आपको क्या लगता नहीं है कि वहां पर आप जिस तरह से म्यूजिक भजन वहां पर आप चलाते हैं, वहां पर किसी संत को बुलाकर उससे प्रवचन कराने चाहिए, उससे सत्संग कराना चाहिए, ताकि ये जो कावर्ती वहां पर ये हैं, हम उनको ये हम कराते हैं। मैं दरअसल अपना थोड़ा सा जो है परिचय दे दूं। मेरा काम सिर्फ जो है, मतलब मैं जो है जो अपना जो है मेरा छोटा मोटा जो है जो सेवाएं होती हैं, मतलब इसी तरह की होती हैं। मेरे पास दो तीन अपने जो मंदिर हैं, मैं मंदिरों का उद्देश्य ये नहीं चढ़ावे के लिए करता हूं। वहां संत हैं, ऋषिकेश से हरिद्वार से संत मेरे पास आते हैं, उन संतों के लिए वहां जो है पूरी व्यवस्था है। और उन अब जो है मेरे शिविर पे अब भी संत जो है मौजूद है। हाँ, तो वहां पर मैं जो है अच्छा, लेकिन संत क्या करेगा? चले, चले, जब तक जो है जब वहां जो है लोगों का मतलब एक जो है ये भेड़ चाल है। इसमें क्या है, इसमें अच्छा इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। इसका महत्व अच्छा मैं अपना बताता हूं, हमें ये प्रेरणा कहां से मिली। एक दिल्ली पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल थे, उनका नाम था एंडी शर्मा। एंडी शर्मा जी जो है वो एक थाने में थे, वो हमारी कहीं से उनसे वाकफियत होगी। तो वो हमारे यहाँ खिचड़ीपुर कॉलोनी में रहते थे, 9 ब्लॉक में। तो वो जो है वो कांवड़ लेने जाते थे इस क्षेत्र में, जब तक कांवड़ का जो है यानी 21 साल पहले कोई चलन नहीं चलन था। उसके बाद वो चलन शुरू हुआ। चलिए चलिए, राकेश जी आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि देखिए पैदल चल के आते हैं, जिस विषय पर चर्चा हो रही थी पूर्ण नहीं हुई। चलिए बताइए, विषय ये था कि लोगों को शिक्षा दी जाए। कांवड़ शिविरों में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई 1 घंटा रुकता है, कोई 2 घंटे रुकता है, कोई 6 घंटे रुकता है। तो बीच से कोई बात कोई सुन ले किसी संत का प्रवचन, उससे कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होने वाला है। मूल रूप से हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इसका प्रावधान रखना होगा कि धर्म के की यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं में, विशेष रूप से कांवड़ यात्रा में किस प्रकार का आचरण रखना है। ये एक वर्ष पर्यंत चलने वाला कार्यक्रम है, ये संतों को संगठनों को वर्ष पर्यंत चलाना होगा, और सरकार पर यह दबाव देना होगा कि चूंकि शिक्षा के सिलेबस के निर्धारण की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली है, हिंदुओं के टैक्स से सरकार चल रही है और सरकार की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसमें नैतिक शिक्षा के रूप में इस प्रकार की पाठ्यक्रम को, धर्मानुकूल पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाए, सम्मिलित किया जाए। लेकिन यहाँ पर राकेश जी, आप चूंकि अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, आप उसके प्रवक्ता हैं, संगठन वो भी है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप सरकार से बात करें, आप इस तरह के यहाँ पर जागरूक अभियान आप चलाएं, आप वहां पर उनको बताने का काम करें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। स्वतंत्रता से पूर्व और सन 1950 तक मुख्य धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था हिंदू महासभा करती थी। कुंभ मेले के आयोजन की व्यवस्था भी हिंदू महासभा करती थी। भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, और उसके बाद ये अधिकार सरकार ने हम लोगों से ले लिया। सर आज ये संपूर्ण अधिकार सरकार के पास है। सब लोकतंत्र का आवाज आप उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं ना, आवाज उठा रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि आवाज नहीं उठा रहे हैं? कहां पर आपने सरकार को कितनी बार आपने लिखा, कितनी बार आपने बात की सरकार से कि इनके लिए जागरूकता अभियान? तो लीजिए ना, बताइए। प्रथम लोकसभा में जब हमारे सदस्य थे, हम उस समय भी इस विषय को उठाए, आज तक हम इसके ऊपर पिटीशन लगाते रहे। हर वर्ष हमारे कुछ न कुछ पिटीशन और होते हैं, कई बार हम इसके लिए न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं, और हमारा संघर्ष अनवरत रूप से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं। आप चाहें तो एक कार्यक्रम आप इसके ऊपर रखें, मैं सारे पिटीशन की फाइल लेकर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमने सरकार से कितनी बार कहा, पीएमओ को हमने कितनी बार लिखा, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को कितनी बार लिखा, होम मिनिस्ट्री को कितनी बार लिखा, उत्तर प्रदेश शासन को कितनी बार हमने लिखा और क्या क्या लिखा। लेकिन राकेश जी, चूंकि आपके जो आपके जो लोग हैं, आप सरकार बहरी है, हिंदुओं की व्यथा और हिंदुओं की व्यवस्था पर उसका कोई चिंतन नहीं है, कुछ नहीं सुनती है, उसी का परिणाम हो रहा है आज ये जो आप देख रहे हैं दुर्व्यवस्था। तो इसके लिए सरकार यहाँ पर लोगों की हिंदुओं की आस्था यहाँ पर खराब हो रही है। साहब सवाल मेरा यही है, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार चाहती है कि हिंदुओं की आस्था खराब हो। अच्छा, ये जो सेक्युलर व्यवस्था है, धर्म रहित व्यवस्था है, इसमें सरकार और सरकार से जुड़े हुए हल क्या होते हैं? राकेश जी, आप पिटीशन लगाते रहेंगे, आप पीएमओ को लिखते रहेंगे, सरकार अपनी मनमर्जी करती रहेगी, तो इसका फिर हल क्या है? हल यही है कि हम सरकार से, हमारे साथ साथ अन्य लोग भी सरकार पर दबाव डालें और समाज जागृत हो। एक तरफ समाज जागृत हो, दूसरी तरफ हम सरकार पर दबाव डालकर ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करें
कि सारी यात्राएं सुचारू रूप से चलें। आखिर सरकार सुचारू रूप से हज यात्रा कराती है या नहीं, टैक्स पेयर्स के पैसे से हज यात्रा होती है, करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जाती है और उनके लिए सारी व्यवस्था सऊदी अरब तक में जाकर भारत सरकार करती है, तो क्या भारत के अंदर रहने वाले हिंदुओं की यात्राओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? चलिए चलिए, राजनीति नहीं है, धर्म की नीति जो व्यवस्था। एक चीज कहना चाहूंगी, जिन्होंने हज की बात करी है तो उसी तरीके से चाहे कोई गांव से अगर कावड़े लेके निकल रहा हो या शहर से निकल रहा हो, उस क्षेत्र से निकल रहा हो, तो वहां पे एक जो है रजिस्ट्रेशन कराने की चीजें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रास्ते में लोग जुड़ जाते हैं अलग से जो, और कहीं ना कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ होता है, उसकी नॉलेज हमें पता रहेगी, उसके बाद अब वो जहां पे वो जा रहा है उसकी भी नॉलेज हमारे पास पता रहेगी। कुछ हो जाते हैं, किसी के मारपीट होती है, कोई एक दूसरे को मार देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो सारी नॉलेज हो जाएगी। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन ये हुड़दंग भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बीच का कोई भी जो लोग हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो जाहिर सी बात है जब चेकिंग होगी तो उसमें पकड़े जाएंगे कि ये जो कौन बीच में जो लोग आ रहे हैं, जो शिविर में रुक जाते हैं और उसके बाद अपनी सेवा करवाते हैं, खाते पीते और निकल लेते हैं, बीच में हुड़दंग, लोगों की भावना चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि जो जहां पर जो अगर हमें सुन रहे होंगे, चाहे वो गांव के पंचायत के लोग होंगे, चाहे वो शहर में जहां पर जिस इलाके के जो लोग हैं वहां पे जाइए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, वहां के लोगों को चाहिए, वहां के मंत्री विधायक को चाहिए कि वहां पे इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए, प्रशासन को इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें होनी चाहिए, इससे जो है सरकार के अंदर जाके अंत हो जाएगी। सरकार के लिए बोल रहे हैं पहले राकेश रंजन की, सरकार सुनती नहीं है, वो बहुत लंबे वक्त से इसका प्रयास करते आ रहे हैं, तो हम हल कैसे होगा? जब हम आपने धर्म गुरु पे छोड़ा, धर्म गुरु जो हम ऐसा इतना तो अगर नहीं कर सकते, आपको आपको लगता नहीं कि जैसे कि आपके शंकराचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, तो क्या उनको लगता नहीं है कि क्या जिस तरह से रूप उनका आजकल सामने आ रहा है उसके अलावा कुछ अच्छे कामों में भी बढ़ के आ गई है ना? अलग अलग तरीके के सरकार शंकराचार्यों की कहां सुनती है? निर्दोष शंकराचार्य को सरेआम उठाकर जेल में डाला जाता है और उसके बाद फिर जब वो बाइज्जत बरी होते हैं तो कोई मीडिया वाला उस समय कुछ नहीं बोलता। हाँ, उनको बदनाम करने के लिए हर प्रकार का षड्यंत्र मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा करता रहता है और सरकारी तंत्र भी उसमें हैंड इन ग्लव्स है। अच्छा, चलिए, एक दर्शक हमारे साथ, विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय, बताएं अपना सवाल पूछिए। विजय पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, अपना सवाल पूछें। चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। अगली बार वो फिर एक बार ट्राई कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी यहां पर दे सकते हैं। लेकिन यहां पर राकेश जी, सवाल तो यही उठता है, शंकराचार्य के लिए आपने मना कर दिया, सरकार आपकी सुनती नहीं, तो हल निकलेगा कैसे साहब? फिर सरकार पर दबाव बनाएं, धर्मनिष्ठ शासन व्यवस्था लाएं इस देश में और देखिए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुंभ लगता है उसके लिए इतना भारत कुछ ना धर्माचार्य कर सकते हैं ना कोई कांवड़ व्यवस्था वाला कर सकता है, क्योंकि शासन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, और शासन व्यवस्था जब तक हिंदुओं के प्रति संवेदनशील नहीं होगा तब तक इस प्रकार की दुर्व्यवस्था होती रहेगी। इसके लिए सरकार 80% से अधिक दोष मैं सरकार के ऊपर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। चलिए, यहाँ पर स्वामी जी आपसे जानना चाहूंगा, कुछ लोगों ने चलन शुरू किया है डाक कावर का, वो जाते हैं डीजे बजाते हुए गाड़ी में जाते हैं, दौड़ते हुए गाड़ी को लेके आते हैं, क्या ये एक लोगों की जो आस्था है उसको क्या मजाक बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि लोगों की आस्था क्या यह है कि आप डीजे बजा के भगवान शंकर सुनेंगे? जब डीजे बजाने की बात आती है, चर्चा शुरू हुई है तब से यही चर्चा हम कर रहे हैं कि हमेशा क्या होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। होता क्या है कि अगर मान लो 1 करोड़ कावड़िए अगर मान लो इस कावड़ यात्रा में जा रहे हैं तो ये 1 करोड़ के 1 करोड़ सारे असभ्य नहीं है, कुछ असभ्य तत्व, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गलत लोग, वो सबके उसके साथ सारे के सारे गलत, जैसे धर्मचार्यों की बात चलती है, वो अभी अभी आपने भी कहा इस समय पर कुछ ऐसे 1-2 के कारण, वो चैनल पर अभी अभी रंजन जी ने कहा था कि जब भी किसी हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु की कभी भी कोई ऐसी बात उठती है तो उसको तो बड़ा चढ़ाकर उसकी TRP बढ़ाने के लिए उसको दिखाया जाता है, लेकिन जब उनको बिल्कुल साबित हो जाता है कि बिल्कुल निर्दोष थे, कोई नहीं दिखाया जाता। तो ऐसे ही 1-2 कुछ लोगों के कारण डीजे गलत है,
फुहरता गलत है, नशे गलत है, असभ्यता गलत है, इसको अगर मैं मान लो, अगर मैं कहूंगा कि नहीं नहीं भांग पीना अच्छी बात है तो वो अच्छी नहीं हो जाएगी। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं मैंने विष पिया, मैं देवों का देव महादेव बना, मैंने अमृत दे दिया, तो मैं ये नशे गांजा सुल्फा चरस अफीम ये सब कुछ मेरे को समर्पित कर दो, ये बुराइयां मेरे को समर्पित कर दो, अच्छाइयां अपने पास रखो, मेरी अच्छाइयां ले लो, मेरी सौम्यता ले लो, कि मैं इतना बिल्कुल सौम्य रहता हूं, सिर्फ सिमरण करता हूं और सेवा करता हूं। भगवान शंकर से बड़ा सेवक इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। जिस समय पर विष पीने की बात आई, भगवान शंकर आगे। जिस समय गंगा को संभालने की बात आई, भगवान शंकर आगे। जिस समय महाकाली को, जिस समय शांत करने की बात आई, भगवान शंकर आगे। लेकिन क्या है, हम अच्छाइयां लेते नहीं है, ये नहीं लेते कि भगवान शंकर देवों के देव महादेव क्यों कहलाए। अगर जो भी आदमी दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत करेगा वो महादेव है, उनका सेवा भाव हमको लेना है, उनकी सौम्यता हमको लेनी है। लेकिन हम लेते क्या है, हम लेने का मतलब यहां पर यह आ जाता है, अगर 5% बच्चे भी सनातन धर्म के अगर वो गलत है, हमारी सबकी गलती, मैं तो मानूंगा, मैं वो धर्म गुरु पर छोड़े, ये सत्ता पर छोड़े, मैं सबको बीच में इन्वॉल्व करूंगा। हर आदमी का कर्तव्य बनता है। कभी एक राकेश रंजन जी हमारे को कह दें ये हमारे हाथ में दे दो, कल को इसका क्या होगा फिर, व्यवस्था की बात चली है, आपका विरोध नहीं कर रहा, सरकार कहती है कि वो सेक्युलर है और वो हिंदू नहीं है, तो व्यवस्था क्यों उसने रखा है। राकेश जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस समय पर भी अगर हमारे हाथ में भी ये सारी सत्ता होगी ना, जहाँ पर हमारे आश्रम में भी पूरे प्रोग्राम होता है, जिस समय पर हमारे आश्रम में 10,000 आदमी का प्रोग्राम होता है, 9,000 हमारे शिष्य है, 1,000 आदमी आकर उसमें गलत बात कोई कर जाता है, तो उस समय पर स्वामी राजेश्वर अंदर उंगली उठाई जाएगी। डीजे चलाने की कोई धार्मिक अनुमति नहीं है, सुनिए, डीजे चलाने की ना अनुमति है, ना धार्मिक मान्यता है, ना ऐसी कोई परिपाटी है। बिल्कुल, अगर सरकार ने संचालन की व्यवस्था ले रखी है, भारत के गाइडलाइंस हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने दे रखा है कि कितने डेसिबल तक का ऑडियो चला सकते हैं, तो क्यों नहीं डीजे को बंद किया जाता। इसके लिए कोई संगठन दोषी है, इसके लिए सरकार पूर्ण रूपेण दोषी है, और ये गवर्नमेंट फेलियर इस रूट पर। लेकिन साहब यहां पर लोग आस्था का बहाना लेकर वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, तमाम 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 ऐसे संगठन उनके साथ खड़े हो नहीं खड़ा है, गलत चीजों पर कोई नहीं खड़ा है। कितनी बार मेरठ के अंदर कावट के साथ जी सभी एक मत है, अच्छा। जो गलत चीज है उसको रोका जाए, अच्छा, विकृति का निवारण होना चाहिए। किसी यहाँ पर एक सवाल और है यहाँ पर मेरा, आपने इंग्लैंड का जिक्र किया कि और तमाम देशों को आपने जिक्र किया कि वहां पर अलग से व्यवस्था है पैदल जो इस तरह के लोग जाते हैं उनके, लेकिन हिंदुस्तान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वो होना व्यवस्था क्यों नहीं की गई, सब आज तक जब इस देश में अब कुंभ आने वाला है, हरिद्वार में कुंभ आने वाला, आप हिंदुओं से टैक्स लेते हैं, आप मंदिर का पैसा भी ले लेते हैं, मुसलमानों से टैक्स लेते हैं, हिंदू का नाम मत लीजिए, उनके किसी रिलीजियस उसको से टैक्स नहीं लिया जाता, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है, उनके सभी धार्मिक संस्थानों को, हिंदू संस्थानों से आप सारा पैसा भी ले लेंगे, उसके बाद हिंदुओं के लिए कोई काम भी नहीं करेंगे, हिंदुओं को कोई शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं करेंगे, और सारा पैसा जो लेकर के आप सरकार अपने काम में लगाए या उससे वो मुसलमानों को सब्सिडी दे, पता नहीं सरकार किस तरह की शिक्षा नहीं देते, आपको कौन से धर्म की शिक्षा दी गई, आपको कौन से विद्यालय में वेद पढ़ाया गया, क्या सरकार के क्यूरिकुलम में है, क्या आपको उपनिषद पढ़ाए गए, नहीं ये कोई जबरदस्ती नहीं हो जाएगी, किसी को थोपना ये गलत होगा ना कि आपने आप इलेक्टिव सब्जेक्ट रखिए, आपने मदरसों को पूरी स्वायत्तता भी दे रखी है, सरकार के फंड से वो चलता है, इमामों को वेतन भी सरकार देती है, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं को हमारे आचार्यों को क्या मिलता है, पूरे हिंदू समाज को, चलिए ये हमारा मुद्दा राकेश जी नकार मारा ये लेने का काम ये हमारा मुद्दा है, मेरा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, नहीं राकेश जी आखिरी सवाल यही है, आखिर जड़ को जब तक जड़ को तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप इधर उधर घूमते रहेंगे, और कृपा करके आप इस कार्यक्रम को हिंदू समाज को बदनाम करने का एक माध्यम, हमारा उद्देश्य राकेश जी किसी भी धर्म या समाज को बदनाम करने का कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सवाल मूल गलती राकेश जी आप जड़ की बात आप करते हैं, अभी तक महज आप कावड़ियों की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें तो आप नहीं कुछ कर पाए, यहाँ पर आप जड़ तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, जब संसद में आपके सदस्य थे आपने सिर्फ आवाज उठाई उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाए, आप दायर करते हैं उसके बाद, लेकिन यहाँ पर चलिए मेरा मुद्दा राकेश जी पढ़िए, राकेश जी इतिहास में पढ़कर आया हूँ, चलिए सवाल मेरा पढ़ा है, सवाल मेरा ये होते तो ये आप
आप बायस्ड राकेश जी आप बायस्ड होकर बात कर रहे हैं। बायस्ड होने से काम नहीं चलेगा। मैं कोई बायस नहीं हूं, मैं तो प्रमाणों पर बात कर रहा हूं। मैं भी आपसे प्रमाणों पर बात कर रहा हूं। खैर चलिए, आज का उद्देश्य मैं आखिरी आपके शब्दों में चाहता हूं, जो लोग कावड़ती यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार इनके लिए अलग से मार्ग की व्यवस्था करे। जिन मार्गों पर कावड़ यात्री जाते हैं यदि उन्हें बंद किया जाता है तो उन्हें पूर्ण रूप से निषिद्ध घोषित किया जाए अन्य वाहनों के लिए, ताकि कावड़ यात्रा उस पर सुचारू रूप से चल सके। जब तक और यातायात और सड़कों की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक कावड़ती जो है उनको किस तरह से यहां पर यातायात को लेकर संयम बरतना चाहिए? यातायात को वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक कतार में चलें और पंक्ति बनाकर चलें। कावड़ के लिए जो सेवा केंद्र बने हैं वहां रुकें, वहां पर विश्राम करें, सड़क पर विश्राम ना करें। डीजे वगैरह ना चलाएं। डीजे चलाने का मैं स्वयं भी बहुत बड़ा विरोधी हूं। किसी भी प्रकार का अनर्गल नशे का सेवन या अन्य प्रकार के दुष्कर्म ना करें, क्योंकि ये एक पवित्र यात्रा है। हठ योग के नियमों का पालन करें और धर्म में बताए गए नियमों को हठ योग प्रदीप में जिस प्रकार की व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था का स्वयं भी अध्ययन करें। यदि कोई बता नहीं रहा तो बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों को, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े। और सूरजमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बहुत अच्छी बात है कि आप पिछले 20-21 वर्षों से कावड़तियों की सेवा कर रहे हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से कावड़तियों को लेकर जो भ्रमत बनी हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें शामिल हो गए हैं और कुछ हद तक जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, क्योंकि जब इतना बड़ा पर्व ये होता है तो सरकार आखिरकार पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करती। और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर यहां पर इतनी भारी तादाद में लोग कावड़ के लिए जाते हैं तो उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन होना क्यों नहीं अनिवार्य कर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.